हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आर के इंग्लिश क्लासेज। माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी एंजॉयिंग योर हॉलीडेज। बट माय डियर स्टूडेंट, एट द सेम टाइम यू मस्ट पे अटेंशन टू योर स्टडीज आल्सो। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द हाई स्कूल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। The paper code is 817HL. So, dear student, let us commence this video. My dear student, I want to tell you, this is part number 1, and in this part we shall discuss the 20 MCQs type question asked in the question paper, and in second part we shall discuss about ग्रामर सेक्शन। सो सी क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, ये हाई स्कूल 2024 का 817HL क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज से होता है। एक पैसेज था जिसका हिंट लिखा हुआ है, बी वेंट फॉर ए वॉक डॉट डॉट करके ब्राइट एंड गे। इसको आप पढ़ करके फिर 1, 2, 3 का उत्तर देंगे। तो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट सराउंडेड द टेंपल व्हिच वाज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क। बच्चों, इसका उत्तर, बॉयज एंड गर्ल्स, ब्यूटीफुल शॉप्स, लाइट एंड सॉन्ग, मैंगो ट्रीज। तो बच्चों, आप जब पैसेज का दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो लिखा, बी सा अ टेंपल सराउंडेड बाई थिक मैंगो ट्री। तो बच्चों, पहले में ऑप्शन नंबर डी, मैंगो ट्रीज, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों अनसीन पैसेज पर आधारित। ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वाज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट। बच्चों, इट सजेस्ट, तो बच्चों ये लाइन है पैसेज की अंतिम लाइन। तो इस लाइन, हाल वाज ग्रीन, हर जगह हरियाली थी, बड़ा शांत माहौल था, दिन बड़ा अच्छा था, लोग खुश थे, इस लाइन का क्या मतलब है? नॉइजी एटमॉस्फेयर, सेंसनल एटमॉस्फेयर, कोजी एटमॉस्फेयर या अनहेल्थी एटमॉस्फेयर। तो बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा, कोजी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोजी एटमॉस्फेयर मीन्स बच्चों, वार्म एंड वेरी कंफर्टेबल पोजीशन या एटमॉस्फेयर। तो बच्चों, दूसरे में हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। बच्चों, अनसीन पैसेज का ही तीसरा है। सिटी शब्द का अपोजिट हमको पैसेज रीड करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कंट्री, एग्जीबिशन, एटमॉस्फेयर, अर्बन। तो सिटी माने बच्चों शहर, एग्जीबिशन मींस बच्चों होता है प्रदर्शनी, एटमॉस्फेयर माने वातावरण, अर्बन माने भी ये सिटी का सेनानी हो जाएगा बच्चों। तो हमको अपोजिट बताना है। तो बच्चों, यहाँ जो अपोजिट बनेगा, आफ्टर रीडिंग द पैसेज वी फाइंड कंट्री। कंट्री मींस बच्चों गांव, कस्बा। तो यहाँ कंट्री माने तीसरे बच्चों पहला ऑप्शन सही है। आई होप बच्चों ये तीनों आंसर आपको अनसीन पैसेज पर आधारित भली भांत समझ में आए होंगे। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। बच्चों, बेल के आगे डॉट डॉट है और हमारे पास ऑप्शन है 4, ए बी सी डी। भरना है रिंग्स, द बेल रिंग्स होगा कि हैड रंग होगा कि वाज रिंगिंग कि द बेल रैंग। बच्चों, यू मस्ट हैव स्टडीड पास्ट परफेक्ट टेंस। बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक है, ऐसा वाक हम आपको क्लास में, कोचिंग में बहुत बार बताए हैं कि जब बच्चों पास्ट परफेक्ट का डबल सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हो तो हमारा जो पहला वाक होता है, पहला क्लास, वो पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट रिंग्स तो है नहीं, हेड रंग पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब बच्चों चौथे में हमारा डी सही जाएगा, बिफोर द बेल रैंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
बच्चों नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। बच्चों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि ऐसे लोग जो किसी चीज़ को वॉच करते हैं या किसी का स्पीच सुनते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिसनर्स की वॉचर्स की हेयरर्स की ऑडियंस। तो बच्चों सब मिलता जुलता शब्द है, लेकिन बच्चों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच दे आर कॉल्ड ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स बच्चों श्रोतागण। ऑडियंस विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज 5 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। बच्चों ये फ्रेम करेक्ट का वाक है। पहले एक वाक दिया गया वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। अब इसको करेक्ट करके 4 प्रकार से वाक लिखा गया है, आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट। पहला ऑप्शन बच्चों दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न। वेयर वाज आई बॉर्न दिस इज द प्लेस। द प्लेस इज दिस आई वाज बॉर्न वेयर। वेयर आई वाज बॉर्न इज द प्लेस दिस। बच्चों बी से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। सी भी एकदम गड़बड़ है। डी वेयर आई वाज बॉर्न से भी कोई मतलब नहीं बच्चों। तो जो आपका वाक इसमें सही है वो पहला ऑप्शन दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न। इस वाक की बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में हिंदी लिखकर बताएंगे, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न की क्या हिंदी बनेगी। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ इसकी हिंदी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बच्चों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप लोग कमेंट्स ज़रूर करेंगे ताकि मैं आप लोगों के बारे में जानता रहूं और इन छुट्टी में समर वेकेशन में आपको ग्रामर संबंधित तमाम वीडियो अवेलेबल करवाता रहूं। बच्चों अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट। 4 वर्ड हैं बच्चों आपके सामने, इसमें से आपको मिस स्पेल्ट माने इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द बताना है। पहला बच्चों एक्सेशन, दूसरा बच्चों एक्सेसिबल, तीसरा बच्चों एक्सेसरी और चौथा बच्चों एक्सेसरीज। तो बच्चों एक्सेसिबल दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा सही है, चौथा बच्चों पहला ऑप्शन गलत था। एक्सेशन में बच्चों एस आई ओ एन होना था जहाँ की एस ओ एन है, तो पहला बच्चों इनकरेक्ट है। इसी क्रम बच्चों अगला देखिए फिर इन दी गैप विथ अ सुटेबल प्रपोजिशन। आपको बच्चों प्रपोजिशन बताना है, बड़ा आसान प्रपोजिशन आया था आपको, इनका प्रयोग बताया गया था, आपका प्रयोग बताया गया था, इनटू का भी और अबाउट पर भी बहुत बार आपको बताया गया कुछ ना कुछ। तो अंकित इज वरीड डॉट 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 हिज फेलियर। यहाँ बच्चों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेलियर। अंकित अपने फेलियर के बारे में बहुत चिंतित है, तो के बारे में बच्चों यहाँ जो सबसे बढ़िया देगा अबाउट हिज फेलियर। आई होप बच्चों ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों है प्रोज से, हमारा एक पैसेज है वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन से लेकर के स्टार्टिंग अप अ करिस्पोंडेंस विद गॉड। बच्चों फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड से एक पैसेज था, उसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो बच्चों जो पैसेज आप पढ़ेंगे या कहानी जानते होंगे, तो द पोस्ट मास्टर शोड टू हिज बॉस। जब पोस्ट मास्टर को लेंचो का लिखा हुआ लेटर मिला तो लेटर लेकर के अपने बॉस के पास जाता है और लेटर को दिखाता है। प्रश्न बच्चों कि पोस्टमैन ने अपने बॉस को क्या दिखाया, पेन दिखाया, स्टाम्प पेपर की, एन इंपोर्ट की, ए लेटर। तो बच्चों डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, लेंचो का लिखा हुआ लेटर अपने पोस्टमैन अपने सीनियर बॉस अर्थात पोस्टमास्टर को दिखाता है।
और पोस्ट मास्टर बच्चों उसको देख करके लंचों के विश्वास से बड़ा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द पोस्ट मास्टर वाज मीन्स बच्चों पैसेज को पढ़ करके आपको बताना है कि पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था। पहला ऑप्शन है फ्रॉड, एन एमिएबल फेलो, एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉई, अ डिसऑनेस्ट पर्सन। बच्चों पहला ऑप्शन ए फ्रॉड बिल्कुल गलत है, अ डिसऑनेस्ट पर्सन भी गलत है, लंचों के अनुसार हो सकता है, लेकिन वो सही सही बच्चों पैसेज के बेस पर हमको बताना है। तो एन एमिएबल फेलो मीन्स अ फ्रेंडली फेलो, मतलब बहुत गुड नेचर्ड वाला व्यक्ति था। तो बी नंबर दसवें का बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एन एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर वॉज एन एमिएबल फेलो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों ये आपके प्रोज पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन बिना पैसेज के, जो पाठ के एंड में कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं 10-15-20 उसी में से है बच्चों। और ये बेकर फ्रॉम गोवा का क्वेश्चन है। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल डॉट डॉट इन द ओल्ड एज, कि मतलब गोवा में बच्चों बेकिंग ओल्ड एज में कैसा बिजनेस था, सर्विस था कि जॉब था कि बिजनेस की प्रोफेशन। तो बच्चों यहाँ बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, लेकिन पाठ के आधार पर प्रोफेशन शब्द सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में डी वाला ऑप्शन प्रोफेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पाठ के आधार पर प्रोफेशन सही है, बाकी बिजनेस और बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्मा अ बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आई लेट्स बिकाज। बच्चों ये जो चीन वाली कहानी टी के ऊपर बताई गई है उसी चैप्टर में तीसरे पार्ट में, तो हमको बताना कि जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे उन्होंने अपने आई लिट्स को, आँख की पलकों को काटा था, क्योंकि क्यों काटा था, ही वॉज ए लुनेटिक, लुनेटिक मीन बच्चों पागल टाइप का आदमी, ही वॉज ए स्टूपिड बेवकूफ, चौथा ही वॉज ए फूल। बच्चों तीनों ऑप्शन गलत है, ए बी और डी दे आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द लेसन, एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। ये बच्चे ध्यान में होते थे तो इनको स्लीपी फील होता था, इसीलिए जो बुद्धिस्ट कहानी के अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट जिन्हें अपने आईलिड्स को कट ऑफ कर लिया था। बच्चों अगला क्वेश्चन भी प्रोज से ही है और मिजबिल द ओटर नामक चैप्टर से। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वाज नाइदर होस्टाइल नॉर डॉट डॉट हेल्पफुल फ्रेंडली अपोज सपोर्टिव, में से बच्चों भरना है कि फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स जब मिजबिल को अथर लाता है तो 24 घंटे मिजबिल अथर के साथ कैसा पेश आता है। बच्चों बहुत हेल्पफुल था कि फ्रेंडली था, अपोज सपोर्टिव, लेकिन निगेटिव में बच्चों वाज नाइदर, ना तो हॉस्टाइल था, तो हॉस्टाइल का उल्टा बच्चों यहाँ फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बी वाला ऑप्शन सही है, हमको पाठ को पढ़कर या पाठ के आधार पर हमको ये उत्तर चूज करना है, चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज होते हैं बच्चों वहाँ से एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये हमको पर्ची में एक स्टेंजा दिया होता है बच्चों, उसको पढ़कर फिर हमको दो प्रश्नों का उत्तर देना होता है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन, हाउ डज द फॉग कम। बच्चों फॉग कैसे आता है, लाइक लिटिल कैट, लाइक स्मॉल फ्रॉग, बी वाला ऑप्शन बच्चों गलत है, लाइक क्रोकोडाइल, सी वाला भी गलत है, लाइक फिरोसियस स्टॉर्म, एक क्रोधित तूफान की तरह, एक मगरमच्छ की तरह कि फ्रॉग माने मेढक की तरह, कि एक बिल्ली की तरह दबे पाँव आता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन 14 में ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लाइक लिटिल कैट की तरह जो है फॉग आता है, शहर और हार्बर
पर छाता है और फिर चला जाता है बच्चों, जस्ट लाइक द सॉन्ग ऑफ मेला, जैसे बच्चों मेला फिल्म में गाना कि मेला दिलों को आता है, उसी तरीके से बच्चों एक कविता भी फॉग आता है फिर आके चला जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज इट रिफर टू इन द पोएम। पोएम बच्चों जो तीसरी लाइन है, इट सिट्स लुकिंग, तो इट किसके लिए आया है, कैट के लिए कि सिटी के लिए, फॉग की हार्बर के लिए बच्चों। तो यहाँ बच्चों 15 नंबर में फॉग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इट माने यह, बैठता है बिल्ली की तरह, तो बच्चों फॉग के लिए आया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों अब शुरू होगा सप्लीमेंट्री से। आई होप बच्चों यहाँ तक 1 से 15 तक आपको सारे आंसर भली बात समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों एक बार फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों सप्लीमेंट्री बुक से। इधर पांचों क्वेश्चन बच्चों जो है सप्लीमेंट्री से 5 क्वेश्चन रहता है। तो व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। ट्रिकी मींस बच्चों द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक का जो है उसी से क्वेश्चन है कि ट्रिकी नामक जो डॉग है मैडम पम्फरे जी का, उसकी क्या ओनली फॉल्ट थी, एकमात्र गलती क्या थी। बार्किंग करता था बच्चों, अटैकिंग, बाइटिंग या ग्रीड, किसी को देखकर भौंकता था बहुत ज़्यादा, किसी के ऊपर अटैक कर देता था या काट लेता था, या उसके अंदर लालच, खाने के लिए लालच बहुत थी बच्चों। जब भी वो कोई चीज़ पाता था ही स्टार्ट ईटिंग, इसीलिए बच्चों उसको एक बीमारी हो गई और डॉक्टर हैरियट ने कैसे उसको ठीक किया आपको पता है। तो बच्चों 16 में हमारा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज दैट ही वाज वेरी ग्रीडी, मतलब ग्रीड वाज हिज ओनली फॉल्ट। 17 नंबर बच्चों हु केम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग। एक शाम को नोट का एक बंडल लिए हुए कौन आता है बच्चों। द थीप स्टोरी बच्चों से है, आपको पता है उसके 2 करेक्टर हैं, हरी सिंह नाम का एक चोर है और अनिल नाम का एक राइटर है जिसको हरी सिंह बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो बच्चों वहीं से क्वेश्चन है कि थीप हरी सिंह इसके यहाँ रह रहा है और एक दिन अनिल जब शाम को आता है तो उसके हाथ में नोटों का एक बंडल होता है। इट मीन्स बच्चों यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, द थीप गलत है, पब्लिशर गलत है, मास्टर गलत है बच्चों, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अनिल वो व्यक्ति था जो एक शाम को नोटों का बंडल लेकर आया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है बच्चों सप्लीमेंट्री से ही। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। बच्चों बड़ा प्यारा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर। भोली का रियल नेम क्या था। भोली बच्चों यू हैव स्टडीड द लेसन, भोली वाज ए गुड गर्ल और कैसे उसके साथ तमाम दिक्कतें हुई। तो राधा तो बच्चों उसकी जो है सिस्टर का नाम, मंगला भी उसकी सिस्टर का नाम, एकता कोई नाम नहीं था लेसन में। तो सुलेखा वाज द रियल नेम ऑफ भोली, अर्थात बच्चों सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भोली का जो रियल नेम था बच्चों वास्तविक नाम था सुलेखा, जो कि बचपन से ही तमाम दिक्कतें उसको आती रही, लेकिन लास्ट में बच्चों आप देखेंगे कहानी कैसे मुड़ती है और फिर बड़ी अच्छी कहानी बच्चों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है बच्चों। आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कॉवर्ड एज माई। बच्चों दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द सेम चैप्टर भोली। ये भी बच्चों भोली से ही है और ये भोली के द्वारा बोली गई लाइन है जो कि कहानी के अंतिम में जब भोली की शादी होने जा रही थी, दूल्हा विशंबरनाथ बैठा हुआ था, फिर उसने डाउरी की डिमांड की तो भोली उसी के बाद ये कहती है कि मुझे ऐसा मीन और ग्रीडी कंटेम्पटेबल कॉवर्ड के रूप में मैं ऐसा हस्बैंड नहीं चाहती। तो बच्चों 19 में जो हमारा आंसर बनेगा ए फॉर अमेरिका विल बी द करेक्ट ऑप्शन,
एज माई के आगे बच्चों भरना है, हस्बैंड की कंपेनियन की फ्रेंड की क्लासमेट, क्लासमेट बिल्कुल गलत बच्चों, फ्रेंड और कंपेनियन से कोई मतलब नहीं, हस्बैंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बच्चों लास्ट क्वेश्चन भी आपके सप्लीमेंट्री बुक के लास्ट चैप्टर से है, द बुक दैट सेव द अर्थ से है बच्चों, कि अंतिम में आप जब जाएंगे लास्ट वाले पैराग्राफ से ये लाइन ली गई है और आगे कट करके डॉट डॉट करके पूछ लिया गया है। बी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडर्न लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ, बच्चों लंदन भरेंगे कि मार्सोपोलिस जर्मनी फ्रांस, तो बच्चों यहाँ जो शब्द आया है पाठ में वो मार्सोपोलिस शब्द आया बच्चों, अर्थात बीसवें बच्चों हमारा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड, आई होप माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू योर कमेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।